हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, और हम लोग भी यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। और सबसे पॉजिटिव बात है कि अप्रैल एंड है और यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है, और शाम को रोज ही यहाँ मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। वरना अदरवाइज वॉक पे जाना भी एक टास्क लगता था गर्मियों में। इनफैक्ट मतलब ठंड में तो अच्छा लगता है, पर गर्मियों में एक टास्क लगता था कि हाँ वॉक पे भी जाना है, बहुत गर्मी है, पसीना आ जाएगा ये सब। पर अभी बिल्कुल भी नहीं लग रहा है और बहुत इन्जॉय कर रही हूँ मैं वॉकिंग को। और कल दो दिन से मेरे 10,000 स्टेप हो रहे हैं, तो होपफुली आगे भी होते रहेंगे अगर मौसम अच्छा रहा। क्योंकि गर्मी में ना बहुत ज़्यादा वॉक नहीं होती है। और मैं आपको एक चेंज दिखाऊंगी मेरे ड्राइंग रूम में। ये हमने लाइट का इशू रिजॉल्व कर लिया है। एक लाइट यहाँ पे है, एक लाइट यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। कहाँ जा रहे हो? हाँ, कितने बजे आओगे? 8 बजे तक। पक्का? यस सर। और ये बताओ, ये घड़ी में 2:45 अभी तक बज रहा है और तुम्हें कितनी बार बोल चुकी हूँ मैं इसमें सर डालने को? व्हाट इज शुद्ध टाइम? अच्छा, आफ्टर कैमरा बताना पड़ेगा क्या? पक्का ना? सेल रखे कहाँ? अब मेरी हाइट वहाँ तक पहुँचती नहीं है, तुम पहुँच जाते हो फिर भी। देखो घर में 3 सीढ़ियाँ रखी हैं, सीढ़ी पे चढ़ के भी नहीं पहुँच पा रही। गैस में, गैस पे 4 चूल्हे हैं, एक चूल्हे पे भी खाना नहीं बना पा रहा हूँ। आप हाइट की बात कर रहे हो, हाइट की बात मेरा नहीं है, कुकिंग में स्किल इशू है मुझसे, कुकिंग होगी। हाँ तो ये थोड़ा मैन, ये फीमेल इशू नहीं है, ये बात ही नहीं है। मैं कर दूंगा। बट आप ये क्या बात हुई कि मैं चढ़ नहीं पाऊंगी मेरी हाइट? मतलब ठीक है, तुम तो टेंस नहीं बनी। देखो तो मैं उस चीज में बकवास नहीं करूँ, ठीक है? तुम बहुत ज्यादा, हाँ, और टाइम से आ जाना रोहन। वापस आते समय मैंने लिफ्ट में कैमरा ऑन किया था, क्योंकि मैं 2 दिन से फर्स्ट रही थी लगातार। तो मैंने कहा आज कैमरा ऑन करूँगी, और डर लगता है ना, थोड़ा सफोकेट हो जाता है। और इधर 3 दिन से मेरे 10,000 स्टेप्स हो रहे थे, तो मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश थी। वॉक से आ गई हूँ मैं, और कुछ खास नहीं है। आज रोहन के लिए रोल्स बनाऊँगी और अपने लिए चाय और पापे। और रोहन दिख रहा है आते हुए, रोहन आ गया। बोलो। हाँ, रोहन जल्दी आ गया था, 8 बजे तक आ गया था, और अब जा रहा है पूजा करने, है ना गुड बॉय? से हेलो। कैसे बोलते हैं? हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये कौन बोलता है? आप ही बोलते हो। ऐसे नहीं बोलते, हेलो फ्रेंड्स बोलते हो। गाइस बोलने में शर्म आती है मम्मी को, तो ठीक है अपना अपना। हमारी एज नहीं है गाइस बोलने की, है ना? ऐसा कुछ नहीं, मतलब ठीक है। हर उसका एक अपना अपना वो होता है, कंफर्ट जोन होता है। नहीं, हर इंसान सब कुछ नहीं बोल सकता है, क्यों? क्या लगता है? एज के हिसाब से एक्ट करते हैं मेरी मम्मी। बकवास मत करो, मेरी अभी एज कुछ ऐसी नहीं है, ठीक है? तो बहुत छोटी हो। हाँ, रोहन मिट्टी के लिए डिनर बनाने में या कुछ भी बनाने में मुझे बहुत मजा आता है। क्योंकि क्या होता है ना कि मुझे कुछ हट के बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने पराठे बना लिए थे, और मैंने सोया चाप और इन सब्जियों को अच्छे से फ्राई करके एक तरह से रोल बना रही थी मैं इनके लिए, रोहन के लिए। तो क्या होता है कि रोहन को ना कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, मतलब थोड़ा अच्छे से डेकोरेट करके दो। तो ये पराठा मेरा थोड़ा सा टूट गया था, तो बस, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया था। आप लोग भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना। तो मैं रोहन के लिए 2 रोल बना रही थी, और मैं सिर्फ अपने लिए चाय बना रही थी, चाय और रस्क। क्योंकि इतना हैवी खाना मैं नहीं खा सकती रात में, मुझे डाइजेशन का थोड़ा इशू है, बिकॉज़ आई डोंट हैव गॉल ब्लडर। तो गॉल ब्लडर नहीं होने से कई चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं, कि आप ऑयली फूड नहीं खा सकते, बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं खा सकते, और डाइजेशन की तो प्रॉब्लम होती ही होती है। तो ये तो मुझे है ही है प्रॉब्लम। आजकल मैंने रोहन को अपने ब्लॉग से बहुत दूर कर रखा है, क्योंकि क्या है, उसके एग्ज़ाम सब अभी हैं, तो डिस्टर्ब करना अच्छा भी नहीं लगता है। 1-2 मिनट के लिए भी बुलाओ तो बस हो ही जाता है कि रोहन ये कर दो, रोहन वो कर दो, है ना? तो मैं बुलाती ही नहीं हूँ। उसके लिए मैंने सैंडविच बनाए थे अपने लिए, रस्क, और चाय बना ली थी। अब बस उसे उठाने जाती हूँ, देखते हैं क्या होता है। मेरा और रोहन का नाश्ता हो गया ख़त्म, और रोहन जो है मेरे को बोल रहा है आप बर्तन रख के आओ, है ना रोहन? और मैं रखने वाली नहीं। और तुम ओरियो कब लेके आए? वो ठीक है, बट ओरियो ये तुम इस बच्चे को या और इसे क्लिप तो कर दो यार, कम से कम, है ना? कर देंगे, नहीं तो सील जाएंगे। पता है ओरियो मैं तो खाती नहीं हूँ, पता है, मैं कर दूंगा सील। और जल्दी से यार रखाओ बर्तन, है ना? नहीं तो ये बिस्तर गंदा होता, अच्छा नहीं लगता है।
व्हाट इज इल्ले? इल्ले मतलब क्या होता है? नहीं मतलब एक लिमिट होती है, पता है हर एक चीज में मुझे इतना ज्यादा रोकता है, आपको ये नहीं बोलना, आपको ये नहीं बोलना, उसके चक्कर में मुझे बहुत सारी मतलब रिकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ती हैं। क्यों रोहन ऐसा क्यों करते हो तुम? ठीक है नहीं करूंगा सॉरी। आप मम्मी ये क्रिंज बोल रही हो, आपको ये नहीं बोलना चाहिए, अभी मैं कुछ बोल रही थी, नहीं नहीं आप बंद करो ये आप नहीं बोल सकते है। मतलब सोचो तो क्या हालत हो रखी है कि पहले पापा मम्मी से डरो, फिर हस्बैंड से डरो, अब बच्चों से डरो। पापा से भी डर गया। मतलब पापा भी बहुत चीजों में, तुम गए तो अपने पापा पे ही हो, कोई अच्छी चीज थोड़ी ना है, है ना? मतलब मम्मियों को रोकना तुम हर एक बात पे, मम्मी ये गलत बोल रहे हो, मम्मा ये ऐसे नहीं बोलते, मम्मा वो ऐसे नहीं बोलते। गलतियाँ करता था तो टोकती थी, तो तुम टोक टोक के अब सही हो गए, इसका मतलब थोड़े ना कि तुम बचपन का बदला मुझसे अब निकालोगे। आप भी सही हो जाओ नहीं निकालेंगे। सही क्या होता है? मतलब तुम इतना ज्यादा मुझे टोकते हो, मम्मा आप ये ऐसे नहीं ऐसे बोलो, मम्मा आप ये नहीं वो बोलो, और अपने वर्ड्स भी याद नहीं है कि मुझे क्या बोलना है। आप ये गलत बोल रही हो ये पता है, पर ये क्या बोलना है वो भी नहीं पता तुम्हें। बात तो है, मैं ब्लॉगर नहीं हूँ। ब्लॉगर क्या? ब्लॉगर कुछ अलग सा थोड़ी ना होता है। ब्लॉगर क्या होता है? अपनी डेली रूटीन आप शेयर करते हो, यही होता है। और ये बर्तन आपको ही रखने हैं, ठीक है रोहन? तो फ्रेंड्स थोड़ी देर में मिलते हैं कि देखते हैं कौन रखता है ये बर्तन। 10 मिनट के बाद अब रिजल्ट ये है कि बर्तन मुझे ही रखने पड़े, और ये एकदम अच्छे से सो रहा है। मतलब मैंने इतना सोता हुआ बच्चा आज तक लाइफ में नहीं देखा। इसके लिए डांट हमेशा मैं खाती हूँ, क्योंकि क्या होता है जब भी कुछ खास कहीं जाना होता है, हस्बैंड से मैं कुछ मंगा रही होती तो बोलते हैं कि रोहन को बुला दो, और ये भाई साहब सो रहे होते हैं, हमेशा से इसका है। और इसके लिए डांट मुझे पड़ती है कि इसको सर पे चढ़ा रखा है मैंने। तो आज मुझे भी थोड़ा गुस्सा आया है, क्योंकि मतलब आप सोचो ये 10 मिनट 5 मिनट के अंदर ही सो जाता है, सो के उठा है उसके बाद भी सोता है, सोचो। अभी मैं रोहन के लिए वाइट सॉस मशरूम पास्ता बना रही थी, तो मशरूम मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लिया था, क्योंकि मुझे किसी को देना भी था और मशरूम बहुत कम लोग लाइक करते हैं। इधर मैंने चीकू पीकू के लिए अपने सीड्स निकाल दिए थे, तो बड़ी खुशी से और खुश होकर खाते हैं। आज मैंने काम किया था, अनियन और कैप्सिकम को एक साथ चॉप किया था और एक साथ ही मैंने डाल दिया था तेल में। मुझे डर लग रहा था कि कच्चापन ना रह जाए, बट नहीं, बहुत अच्छे से फ्राई हुए थे। और इधर मैंने जो पास्ता मेरा तैयार हो गया था, इसमें चिली फ्लेक्स मैंने डाले थे और ऑर्गेनो डाला था और मेयोनीज़ डाली थी और चीज़ डाल दिया था, मेरे पास स्प्रेड वाला नहीं था। तो बस ऐसे ही तैयार हो गया मेरा ये वाइट सॉस पास्ता। अब रोहन को टेस्ट कराती हूँ, मेन तो वही है। खा के देखो, जल्दी से खाओ। मशरूम भी डाला है? हाँ खाओ। सीरियसली बताना, ये मतलब मुझे देना भी है। अच्छा बना है? अच्छा बना। मतलब नॉर्मल से बेटर है कि नॉर्मल जैसा ही है? वैसे ही है, वो थोड़ा कम है। क्या मसाला? स्पाइस थोड़ा कम है। स्पाइस और डालूं मैं? चलो ठीक है। व्हाइट सॉस थोड़ा सा ब्लंड भी होता है ना? हाँ। ब्लंड ही बोलेंगे ना? ब्लैंड। हाँ ब्लैंड ही होता है ना। अच्छा तो फिर कुछ डालूं या नहीं डालूं मैं? सही है। पहले तो मैं बनाने जा रही थी मशरूम मटर, पर मुझे ध्यान आया कि मशरूम बहुत लोग पसंद नहीं करते, तो मशरूम की जगह मैंने पनीर का ऑप्शन लिया। और ग्रेवी एज इट इज़ नॉर्मल थी, अनियन टोमेटो और चिली गार्लिक पेस्ट की। बस इसमें मैंने एक जो मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाया था मैजिक मसाला जो मैं बनाया था वो मैंने ऐड किया था, और इसमें मैंने डेगी मिर्च डाल दी थी। डेगी मिर्च से क्या होता है कि सब्ज़ी का कलर बहुत प्यारा आता है, और जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है तो खाने का मन अपने आप ही होने लगता है। और एंड में जब ग्रेवी अच्छे से पक गई तो फिर मैंने पनीर और मटर डाल दिया था। इधर मैंने ये अनियन फ्लेक्स लिए थे, इन्हें अच्छे से फ्राई कर दिया था, और मशरूम मैंने फ्रिज में रख दिया था, और ये मेरी थोड़ी देर दम देने के लिए रख दिया मैंने सब्ज़ी को।
और उसको उसमें एंड में मैंने डाल दिया कसूरी मेथी और धनिया। तो ये मेरी हो गई मटर पनीर तैयार। और यहाँ मैं खाने लगी हूँ खिचड़ी। खिचड़ी के साथ मैंने विनेगर और अनियन लिया है। मुझे ज़्यादा पनीर और ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती, मैं थोड़ा सिंपल खाना पसंद करती हूँ। और खाना खाने के बाद मैंने चाय ली। चाय पीने के बाद मैंने कहा एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने बालकनी में, मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा कबूतर आ रहे थे, तो मैंने सब जगह चादर लगा रखा था। तो बस इसके बाद मैंने काली पॉलीथिन लगा दी, क्योंकि मैंने यूट्यूब में देखा था। तो मैंने कहा देखते हैं, ट्राई करते हैं, तो ये वर्क किया, इसलिए मैंने कहा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। और आज बहुत मज़ेदार एपिसोड हुआ, सोचो बताओ क्या क्या। आज मैं दोपहर में ना ब्लॉग भेजने वाली थी, तो रात में पापा को कॉल किया, तो पापा ने कहा पता है गड्डू एक बात तुम्हें बोलनी है, तुम वो ब्लॉग में बोला करो, है ना। तो मुझे लगा क्या बात बोलनी है, क्या बात बोलनी है। फिर दोपहर में फोन कॉल किया तो बोलते हैं कि मैं किसी के साथ हूँ, है ना। तो मुझे लगा शायद मैंने बहुत कोई गलत बात लास्ट ब्लॉग में बोल दी है ना। फिर मैंने दोबारा कॉल किया तो उन्होंने काट दिया कॉल। मतलब मेरा एक ना एक होता है कि बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया कि मैंने क्या पिछले ब्लॉग में गलत बोल दिया। तो उन्होंने बोला कि जब तुम बोलती हो कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, तो उसके साथ ये भी बोलो कि बेल आइकन भी दबाना चाहिए। ये बात बोलनी थी आपको। हाँ, तो प्लीज आप लोग बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद बेल आइकन। हाँ, थैंक यू सो मच, बाय।